हेलो बच्चों, हम जिगल का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। हम सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स को इसमें कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले लिमिटेशन एक्ट से। लिमिटेशन एक्ट को हम सेक्शन वाइज कवर करते जाएंगे फटाफट। तो सबसे पहले लिमिटेशन एक्ट 1963 में आया था। लिमिटेशन एक्ट क्यों आया था? लिमिटेशन एक्ट हमको बताता है डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स की कब हम कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं, कितना टाइम पीरियड है कि हम कब तक कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पार्टी ए और पार्टी बी, पार्टी ए और पार्टी बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जो पार्टी बी ने ब्रीच कर दिया है। तो पार्टी बी ने जो ब्रीच किया हुआ है, तो ऑफ कोर्स पार्टी ए को चाहिए कि वो पूरा पार्ट परफॉर्म हो जाए। तो वो पार्ट परफॉर्म करने के लिए वो कोर्ट में जाएंगे कि बी को बोलो अपना पार्ट परफॉर्म करे, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या उन्होंने मेरे साथ कोई सिविल रॉन्ग किया है। तो अब पार्टी ए जो कोर्ट में जाएगी, तो उसके लिए एक लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब है कि आप 1 साल तक आ सकते हैं, आप 2 साल तक आ सकते हैं, आप 3 साल तक आ सकते हैं, आप 12 साल तक आ सकते हैं, आप 5 साल तक आ सकते हैं, आप 30 साल तक आ सकते हैं। तो ये लिमिटेशन पीरियड कोर्ट में लिमिटेशन एक्ट में स्पेसिफाई किया हुआ है। लिमिटेशन एक्ट बेसिकली सारे सिविल मैटर्स को अप्लाई होता है, और कुछ स्पेशल केसेस हैं क्रिमिनल के जिन पे ये अप्लाई होता है। इसमें सबसे पहले एक मेजर केस है, बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस एक्ट में कोर्ट ने हमको एक्सप्लेन किया था, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बोला था, तब उन्होंने बोला था हम लिमिटेशन एक्ट जो रेमेडी आपको प्रोवाइड करते हैं थ्रू कोर्ट, उसमें हम बार लगा देते हैं। तो लिमिटेशन लगाने का मतलब कि एक हम बार लगा देते हैं कि इसके बाद आप कोर्ट में नहीं आएंगे। अच्छा, ये बार इसलिए लगाया जाता है ताकि आपके एविडेंसेस फ्रेशली हमको मिल सके। अब आप 10 साल बाद आएंगे कि 10 साल पहले मेरे साथ कोई सिविल रॉन्ग हुआ था, तो कोर्ट उसे एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि तब आपकी शायद एविडेंसेस भी ब्लर हो गए होंगे, क्लियर नहीं होंगी चीजें, आपको कुछ याद भी ना होगा। इसलिए कोर्ट ने हर एक कुछ ना कुछ टाइप ऑफ सिविल रॉन्ग्स के लिए, टॉर्ट्स के लिए, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लिमिटेशन प्रोवाइड कर रखी। तो ये जो बॉम्बे डाइंग वाला केस है, वो क्लियरली बोलता है कि हम आपके जो रेमेडी, उसमें हम बार लगा देते हैं, पर हम कोई भी राइट को एक्सटिंग्विश नहीं कर रहे हैं। मतलब कि जो हमारा एग्जांपल था पार्टी ए और पार्टी बी, तो पार्टी बी ने जो ब्रीच किया हुआ है, तो ए के पास रेमेडी लेने तक का, समझ लीजिए, 3 साल तक का टाइम है। तो कोर्ट कह रहा है कि 3 साल तक आप हमारे पास आओ रेमेडी के लिए, लेकिन 3 साल के बाद अगर आप आएंगे तो हम आपकी मैटर को एंटरटेन नहीं करेंगे। अब जब आप एंटरटेन नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आउट ऑफ द कोर्ट जाके भी अपना कुछ नहीं कर सकते। वो जाके बी से खुद से बात कर सकते हैं, किसी उनकी फैमिली मेंबर्स को बोल सकते हैं कि इनको बोलिए अपना पार्ट परफॉर्म करें। तो हम आपका कोई राइट एक्सटिंग्विश नहीं कर रहे हैं कि आप अब इस चीज का कहीं पे भी कुछ भी सोल्यूशन ढूंढ ही नहीं सकते। हम आपकी कोई एक रेमेडी है जो आपको थ्रू कोर्ट मिलती थी, उसमें हम बार लगा दे रहे हैं। ऐसी अब सेक्शन थ्री बोलता है बार ऑफ लिमिटेशन। बार ऑफ लिमिटेशन यानी क्या कि हम जो लिमिटेशन आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इतना इतने टाइम पीरियड में आपको कोर्ट आना है, तो ये जो बार ऑफ लिमिटेशन है, ये क्लियरली हम कह रहे हैं कि कोर्ट की ड्यूटी, कि कोर्ट के पास जब एप्लीकेशन आएगी, तो उसे सबसे पहले देखना है कि क्या वो विद इन द लिमिटेशन पीरियड आई है कि बियॉन्ड द लिमिटेशन पीरियड है। अगर विद इन द आई है तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लो, अगर बियॉन्ड आई है तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करो। सेक्शन थ्री में हमें 3 चीजें याद रखनी, क्या क्या? सूट, अपील और एप्लीकेशन। मतलब कोई सूट की बात है, आपको सूट फाइल करना है, आपको कोई अपील फाइल करनी है, या आपको कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है। इसके लिए बार ऑफ लिमिटेशन सेक्शन 3 में बताया कि कोर्ट की ड्यूटी है कि आप इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने से पहले चेक कर लीजिए कि लिमिटेशन पीरियड के अंदर है कि बाहर है। दो डिफेंडेंट ने ये चीज कहीं एक्सप्लेन की हो या नहीं की हो, कोर्ट को सबसे पहले अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। अब सेक्शन 5, सेक्शन 5 बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज। सफिशिएंट कॉज क्या होता है? सफिशिएंट कॉज क्लियरली बताते हैं कि अगर आप बियॉन्ड द पीरियड, आपका लिमिटेशन पीरियड ओवर हो गया, उसके बाद भी अगर आप कोर्ट में एप्लीकेशन लेके आते हैं, बट आप अगर एक अच्छा सफिशिएंट रीजन, एक ऐसा कोई रीजन लेके आते हैं जो कोर्ट एक्सेप्ट कर ले, तो हम आपके मैटर को एक्सेप्ट कर लेंगे। सफिशिएंट कॉज में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि सफिशिएंट कॉज सूट में हम नहीं लेते, हम सिर्फ और सिर्फ अपील और एप्लीकेशन में लेते हैं। तो बार ऑफ लिमिटेशन सूट, अपील, एप्लीकेशन तीनों को लगता है, सफिशिएंट कॉज सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन और अपील को लगता है। ऐसा उन्होंने क्यों बोला है? क्योंकि सूट के लिए आपके पास 3 साल, 12 साल, 5 साल, 10 साल, 30 साल तक के लिमिटेशन पीरियड है, लेकिन अपील और एप्लीकेशन के लिए आपके पास 45 डेज, 90 डेज, 60 डेज या फिर मैक्सिमम 6 मंथ्स होते हैं। तो बहुत कम टाइम पीरियड है आपको। तो इसमें अगर आप सफिशिएंट कॉज देते हो कि हो सकता है कि मेरे फादर बीमार थे, हो सकता है मुझे सीरियस इलनेस थी, हो सकता है मैं कोर्ट में आ नहीं पाया क्योंकि मुझे अच्छा वकील नहीं मिल पाया, तो ये अगर आप सफिशिएंट कॉज देंगे तो कोर्ट आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये लॉ में कहीं क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने कि कौन कौन से सफिशिएंट, कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है थ्रू एग्जाम्पल्स या ऑब्जर्वेशन, बट
ये कंप्लीटली जज के ऊपर होता है कि उसे वो सफिशिएंट कॉज एक्सेप्ट करना है कि नहीं। हो सकता है कि वो एक सफिशिएंट कॉज एक्सेप्ट कर रहे हो सकता है वही सेम सफिशिएंट कॉज आप दोबारा कोई एप्लीकेशन लेके आए तो वो एक्सेप्ट उसे नहीं करें। तो कोई भी अपील और एप्लीकेशन फाइल करनी है बियॉन्ड द सब्सक्राइब पीरियड, प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद आप जाते हैं सफिशिएंट कॉज देते हैं तो कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर सकता है, बट वो सफिशिएंट कॉज कंप्लीटली जज को सेटिस्फाई करना चाहिए कि ओके ये एक्सेप्टेबल रीजन है। और इसमें ये आंसर जब आप लिखेंगे कम हमेशा स्पेसिफाई करना कि ये सफिशिएंट कॉज अपील और एप्लीकेशंस के लिए, और क्योंकि उनका टाइम पीरियड बड़ा ही छोटा है 6 मंथ तक का है मैक्सिमम, इसलिए उन्हें ये चीज प्रोवाइड की गई है। उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस एक्सप्लेन किए हैं एक्ट में, जैसे रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जैसे कि मिस्टेक ऑफ काउंसिल यानी एडवोकेट की गलती है, रॉन्ग एडवाइस फ्रॉम द एडवोकेट या मिस्टेक ऑफ लॉ है, आप इस चीज को एक्सक्यूज दे रहे हैं, कोई इम्प्रिजनमेंट ऑलरेडी आप जेल में थे इसलिए नहीं देखा है, कोई आपको सीरियस इलनेस थी इसलिए आप नहीं लेके आए, कोई आपको फाइल प्रॉपर फाइल आपको मिली ही नहीं इसलिए आप कोर्ट में नहीं आ पाए, आपको कोई सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए ऑर्डर्स की वो आपको मिली नहीं इसलिए आप टाइम पे नहीं आ पाए, या फिर आपके फादर या फैमिली में कोई बीमार है इसलिए आप नहीं आ पाए। ये उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन थ्रू जो अभी तक उन्होंने देखे हैं वो दिए हैं। ये कंप्लीटली एक इंडिविजुअल टेस्ट होता है क्योंकि ये प्योरली और प्योरली जज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। अब सेक्शन 6, 7, 8 ये तीन सेक्शन एक साथ उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। ये होता है पर्सन अंडर लीगल डिसेबिलिटी। पर्सन अंडर लीगल डिसेबिलिटी सबसे पहले उन्होंने सेक्शन 6 में बताया कि कोई भी पर्सन अगर माइनर है, अगर इंसेन है या इडियट है तो हम उसकी एप्लीकेशन तब एक्सेप्ट करेंगे जब उनकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी। सेक्शन 7 में बोला है कि अगर सेवरल पर्सन इन्वॉल्व है, तो अगर सेवरल पर्सन इन्वॉल्व है और उनमें से कुछ लोग लीगल डिसेबल्ड हैं, कोई एक पर्सन लीगल डिसेबल्ड है और उसकी कंसेंट बहुत जरूरी है कोर्ट में आने से पहले, तो जब उस पर्सन की लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी तब आप कोर्ट में आ सकते हैं और उसकी कंसेंट लेके आ सकते हैं। सेक्शन 8 इन दोनों सेक्शन को कंट्रोल करता है और इन दोनों सेक्शन का एक्सेप्शन भी है। सेक्शन 6 में मैंने क्या बोला, माइनर इडियट इनसेन है तो जब भी माइनॉरिटी खत्म हो जाएगी यानी जब पर्सन मेजर हो जाएंगे, जब उसकी इनसेनिटी खत्म हो जाएगी, जब उसकी इडियट वाला पर्सन नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद वो कोर्ट में आ सकता है, उसके बाद उसका फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन है जो 14 ईयर्स के हैं अभी, तो अब 14 ईयर्स यानी ये माइनर है, तो जब ये 18 ईयर्स के होंगे तब इनकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म होगी और तब इनका फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। तो अगर लिमिटेशन पीरियड सपोज 3 ईयर्स का है तो 14 ईयर्स के हैं, आज एक्शन हुआ है, आज उनके साथ कुछ एक्सीडेंट या फिर सिविल रॉन्ग हुआ है, तो जब वो 18 ईयर्स के होंगे उसके बाद वो इस चीज के एप्लीकेशन लेके जाएंगे और उनका फ्रेश 3 ईयर्स का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो 18 ईयर्स के बाद भी उनके पास 3 साल तक का टाइम है। सेम चीज अगर ये सिंगल पर्सन थे, अगर ये 2-3 पर्सन हो और उनमें से एक पर्सन माइनर है और उस माइनर की कंसेंट बहुत जरूरी है कोर्ट में केस फाइल करने की, तो ये पर्सन जब मेजर हो जाएंगे तब उनका फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा और तब वो कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अब सेक्शन 8 कैसे कंट्रोल कर रहा है इनको, सेक्शन 8 सिंपली सब इतना बोलता है, बड़ा ही कंफ्यूज करता है बच्चों को, पर सेक्शन 8 आप समझो कि नो मैटर व्हाट डिसेबिलिटी यू हैज, नो मैटर ये कब से चल रही हो, जब भी आपकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म होगी आपको हम 3 साल से ज्यादा का टाइम नहीं देंगे, तो आपके पास मैक्सिमम 3 इयर्स का टाइम है आप कोर्ट में केस फाइल करने। अब 14 साल में वो पर्सन के साथ एक्शन हुआ, 14 के बाद 15, 16, 17, 18 ऑलरेडी इतने इयर्स थे, ठीक है, उसके बाद हम बोले अब आपके पास 12 साल है, लिमिटेशन पीरियड 12 साल है आपका, तो ये बड़ा ही धुंधला सा है, ये क्लियर नहीं कर रहा है मैटर को। ऐसे तो फिर कितने मैटर्स कोर्ट के पास रहते जाएंगे फॉर दिस लीगल डिसेबिलिटी। तो वो कह रहा है जब भी लीगल डिसेबिलिटी खत्म होगी तब 3 साल का टाइम है, 3 साल में एटलीस्ट कोर्ट में एक एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं। अब सेक्शन 9, तो 3 हो गया बार ऑफ लिमिटेशन, 5 हो गया सफिशियंट कॉज, 6, 7, 8 हमारे लीगल डिसेबिलिटी के लिए चलते हैं। अब सेक्शन 9, सेक्शन 9 एक्सप्लेन कर रहा है कंटिन्यूस रनिंग ऑफ, कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम यानी कि एक बार आपकी लीगल डिसेबिलिटी थी, आप 14 साल के थे आप लीगली डिसेबल्ड थे क्योंकि आप माइनर थे, अब आप 18 साल के हो गए, अब आप मेजर हो गए, अब आपकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो गई, अब आप कोर्ट में आ सकते हो। तो जब आप कोर्ट में आ सकते हो 18 साल के बाद, तो सपोज आपके पास 3 साल है आप कोर्ट में फाइल करने के लिए जो सेक्शन 8 ने बोला है, तो 3 साल के बीच में आपको कोई और लीगल डिसेबिलिटी, आप इंसेन हो गए, तो कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम, वंस द लिमिटेशन पीरियड हैज बिगन आफ्टर द लीगल डिसेबिलिटी देयर विल बी अ नो पॉज ऑन इट। तो कोई पर्सन 14 ईयर्स के हैं, 18 ईयर्स के हुए, लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया,
स्टार्ट हो गया 3 ईयर्स के लिए। अब जैसे ही ये 19 ईयर्स की हो, मतलब इनका सेकेंड फर्स्ट ईयर खत्म होने वाला था, तब ये इनसेन हो गए। तो ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि अब इनको लीगल डिसेबिलिटी हुई, अब फिर से जब इनसेन होने के बाद ये जब वापस सेन होंगे तो हम नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट करेंगे। नहीं, आपका जो लिमिटेशन पीरियड चालू हो गया था वो कंटिन्यूसली चलेगा। अब ये नो मैटर आपकी इंसेनिटी कब खत्म हो। तो सेक्शन 9 क्लियरली बोलता है, टाइम व्हेन वंस इट हैज कमेंस टू रन इन एनी केस विल नॉट सीज टू बी रीजन फॉर एनी सब्सिक्वेंट इवेंट। नो मैटर कितने भी कैसे भी इवेंट हो, हम इस चीज को रोकेंगे नहीं। व्हेन एनी स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन इज बिगन टू रन, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी विल स्टॉप दिस रनिंग। ये हो गया हमारा सेक्शन 9। सेक्शन 12 से 24 में उन्होंने बताया है, कुछ ऐसे पीरियड्स हैं जिनको हम एक्सक्लूड करते हैं जब हम लिमिटेशन पीरियड काउंट करते हैं। तो जब हम लिमिटेशन पीरियड काउंट करते हैं तो हम क्या क्या एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो कौन कौन से पीरियड वो एक्सक्लूड करते हैं, तो जैसे कि सूट, अपील और एप्लीकेशन। जब भी आप सूट, अपील और एप्लीकेशन फाइल करने जाएंगे तो जिस दिन आपके साथ एक्सीडेंट हुआ है, जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो, वो दिन को लिमिटेशन पीरियड में हम इंक्लूड नहीं करते। तो उसके नेक्स्ट डे से आपके वो 3 ईयर्स, 12 ईयर्स, 30 ईयर्स नेक्स्ट डे से चालू होते हैं। दूसरा है कंपटीशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील और एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील और फॉर रिविजन रिव्यू और फॉर अ जजमेंट। रिविजन रिव्यू ऑफ जजमेंट मतलब अगर एक ऑर्डर आ गया, अब उसके लिए आपको आगे अपील करनी है। अपील का इसलिए करनी है कि आप ना एक बार जज जी आप अपना एक रिव्यू अपने ही ऑर्डर को एक बार रिव्यू कर लीजिए या फिर इस ऑर्डर को रिवाइज कर लीजिए। तो जिस भी कोर्ट में आप ये चीज की एप्लीकेशन दे रहे हैं उसके लिए आप पहले ना रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये लीव टू अपील लिखा है, यानी कि आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम इस चीज की अपील करना चाहते हैं रिव्यू और रिविजन की। तो ये जो रिक्वेस्ट एप्लीकेशन है ये टाइम पीरियड को हम एक्सक्लूड करते हैं। इसकी कॉपी अगर आप ले रहे हैं तो इस टाइम पीरियड को भी हम एक्सक्लूड करते हैं। फिर कंपटीशन फॉर अ पीरियड फॉर एन एप्लीकेशन मेड फॉर लीव टू अपील फ्रॉम एन ऑर्डर और डिक्री। अगर आपको कोई ऑर्डर या डिक्री की कॉपी चाहिए कोर्ट से, तो वो टाइम पीरियड को हम एक्सक्लूड करते हैं। जब भी आपको नेक्स्ट अपील, एप्लीकेशन या कोई भी चीज लेनी है तो लिमिटेशन पीरियड को हम एक्सक्लूड करते हैं। अब लिमिटेशन पीरियड फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड। तो जैसे एक ऑर्डर और डिक्री लेने के लिए आपको कुछ टाइम पीरियड लगा, 2-3 दिन लगे, तो वो 2-3 दिन हम लिमिटेशन पीरियड में काउंट नहीं करते। सेम केस अवार्ड में, अगर आर्बिट्रेशन का मैटर है उसके लिए आप अवार्ड के लिए उसकी कॉपी मांग रहे हैं, तो उस चीज को भी हम एक्सक्लूड करते हैं जब हम लिमिटेशन पीरियड काउंट करते हैं। तो हम वो कॉपी लेने वाले दिन जितने भी आपको 5 दिन, 7 दिन कोर्ट ने लेने देने के लिए लगाए हैं वो हम एक्सक्लूड करते हैं। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच लीव टू सू और अपील एज अ पॉपर इज अप्लाइड फॉर। तो ये सेक्शन 13, 12 to 24 हो गया। अब सेक्शन 13, पॉपर यानी ऐसे पर्सन जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोर्ट फीस या फिर एडवोकेट को अपॉइंट करना और फिर अपना मैटर पूरा कंसर्न कराना, तो वो इस चीज की कोर्ट में रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि मैं एक पॉपर हूँ, मतलब आई एम नॉट केपेबल फाइनेंशियली कि मैं एक मैटर को आपके सामने लेके आऊँ, तो मैं उस चीज की आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो जो आपकी रिक्वेस्ट टाइम पीरियड है कि जब तक कोर्ट उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है, वो टाइम पीरियड को हम एक्सक्लूड करते हैं लिमिटेशन पीरियड में। एक्सक्लूजन ऑफ अ टाइम बोनाफाइड टेकन इन अ कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन। अब क्या हुआ है कि एक सिविल मैटर था, आपको एक कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी थी, आपने ना गलती से इन गुड फेथ, या आपको पता नहीं था, आपने एक गलत सिविल कोर्ट में एप्लीकेशन को फाइल कर दिया। जब आपने गलत फाइल किया तो आपको लेटली एक दो हियरिंग्स में पता चला कि ये कोर्ट के पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है इस मैटर को अप्लाई करने के लिए, तो आप फ्रेश एप्लीकेशन लेके गए राइट जुरिस्डिक्शन में। अब तब तक आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन ओवर हो गया था। पर अगर आप ये चीज प्रूफ कर देते हो कि ये सर सेम मैटर है, मैंने एक अनदर सिविल कोर्ट में इस चीज को अप्लाई कर दिया था, मैंने ना मुझे गुड फेथ में ही किया था, मुझे पता नहीं था कि उनके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, और द कॉज ऑफ नॉट टेकिंग अप द हियरिंग अहेड वाज ओनली ज्यूरिसडिक्शन। जब ये 4 पॉइंट्स आप एक्सप्लेन कर दोगे तो वो इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे और लिमिटेशन पीरियड के लिए आपको टाइम दे देंगे कि चलो ठीक है, आपके ये रीजन है, ये सफिशियंट कॉज है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और फिर हम वो आपकी एप्लीकेशन ले लेंगे और उसे एंटरटेन कर लेंगे। तो वही 4 बातें देखो बच्चे यहाँ लिखी हुई है कि सिविल प्रोसीडिंग्स होगी अगेंस्ट डिफेंडेंट, फिर सेम मैटर है, फिर गुड फेथ में गए हो, और डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन की ही बात होगी। कुछ ऐसे टाइम पीरियड्स हैं जो उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं जो अदर केसेस हैं, जैसे कि आपके किसी मैटर में ऑलरेडी स्टे लगा हुआ है, तो अब जब तक वो स्टे नहीं हट सकता आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते क्योंकि आपका वही सब्जेक्ट मैटर है। तो वो स्टे के लिए वो कह रहे हैं कि जब जब आपका वो स्टे हट जाएगा उसके बाद हम लिमिटेशन पीरियड को कंटिन्यू करेंगे, हम वो जो स्टे वाला पीरियड है उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। अगर आपको गवर्नमेंट से कोई सैंक्शन लेना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेने हैं या फिर कुछ
कंसेंट लेनी है, कोई सैंक्शन लेना है, तो वो टाइम पीरियड जब तक आपको कोर्ट कंसेंट देता है, सैंक्शन लेता है, वो टाइम पीरियड भी हम एक्सक्लूड करते हैं। अगर लिक्विडेटर को अपॉइंट हो रहा है और लिक्विडेटर को किसी चीज की अपॉइंटमेंट्स के लिए टाइम लग रहा है, तो वो टाइम पीरियड भी हम एक्सक्लूड करते हैं। कोई ऑलरेडी आपकी सेल वगैरह अनाउंस कर दी हुई थी और सेल चल रही है, तो वो टाइम पीरियड भी हमने एक्सक्लूड किया हुआ है, जब ये अनाउंसमेंट चल रही है कि आपकी सेल हो रही है और वो सेल ही सब्जेक्ट मैटर है। उसके बाद डिफेंडेंट इंडिया में नहीं है, तो वो टाइम पीरियड भी हम एक्सक्लूड करेंगे लिमिटेशन पीरियड से। किसी उसी पर्सन की डेथ होगी तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को हम टाइम पीरियड देंगे, वो जो ड्यूरिंग द डेथ पीरियड चलता है, तो वो टाइम पीरियड हम एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि आप बताओगे कि जिस पर्सन ने मैटर अप्लाई करना था, सूट फाइल करना था, वो पर्सन की डेथ होगी, तो वो टाइम पीरियड हम एक्सक्लूड कर देंगे, वो जो रिचुअल्स वाले पीरियड। कभी कोई फ्रॉड मिस्टेक हो गया तो आप फेलियर अगर उसे एक्सप्लेन कर दोगे कि इस टाइम पीरियड पे विथ रीजंस, ठीक है, रीजनेबल डेलिजेंस कि हमारे साथ फ्रॉड वॉड हुआ है, तो वो डिस्कवर्ड और विथ प्रूफ विथ एविडेंसेस आप दोगे, तो वो टाइम पीरियड भी एक्सक्लूड हो जाएगा। अब इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट सेक्शन 18, तो 3 बार ऑफ लिमिटेशन, 5 सफिशिएंट कॉज, 6, 7, 8 लीगल डिसेबिलिटी, 9 कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम, 12 से 24 जो एक्सक्लूजन ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉपी के लिए, फिर 13 एज अ पॉपर, 14 एज द ये ज्यूरिसडिक्शन वाला आपका मैटर कि विदाउट ज्यूरिसडिक्शन थे और आपने सिविल सूट फाइल कर दिया था। अब इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ये बोल रहा है कि फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट शुड बी प्रेजेंट फॉर वैलिड एक्नॉलेजमेंट एज पर सेक्शन 18, देर मस्ट बी एन एडमिशन और एक्नॉलेजमेंट, सच एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और राइट, इट मस्ट बी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइन बाय द पार्टी अगेंस्ट हुम द प्रॉपर्टी इज राइट इज क्लेम्ड। कई बार क्या होता है ना बच्चे कि हमने कोई भी ना प्रॉपर्टी या फिर किसी ना किसी चीज के लिए ना अप्लाई किया हुआ है, अब हमने अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे रखी है, ठीक है, उस चीज को हमने कोर्ट से एक्नॉलेज करना है कि ये प्रॉपर्टी हमारे नाम पे, या फिर अगर आपका ऑलरेडी किसी के साथ मैटर हुआ था तो आपने उस पर्सन से एक्नॉलेज कराया हुआ था कि ये प्रॉपर्टी पे कंप्लीटली मेरा राइट है, तो आपके पास वो चीज रिटर्न में होनी चाहिए, ठीक है। तो उसका इफेक्ट बता रहे हैं लिमिटेशन पीरियड में कि आपने ये जो प्रॉपर्टी पे हक जताया है, ये बिफोर द पीरियड ऑफ एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड हक जताया होगा, ये राइटिंग में होना चाहिए, प्रॉपरली साइंड होना चाहिए, एक्सपायरी पीरियड के पहले होना चाहिए, तभी आप कोर्ट में इसे पेश करोगे कि ये देखो ये एक्नॉलेजमेंट है, इस पर्सन ने एक्नॉलेज किया है कि इस प्रॉपर्टी पे मेरा इतना हक है, तो आप इस मैटर को एंटरटेन करो। इफेक्ट ऑन पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट और इंटरेस्ट ऑन लेगेसी, ये हो गया हमारा सेक्शन 19। सेक्शन 19 बोलता है कि अगर कोई डेट लोन वगैरह था, इंटरेस्ट ऑन लेगेसी बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड बाय अ पर्सन लाइबल टू पे और डेथ और एजेंट ड्यूली ऑथराइज अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जैसे कि दो पर्सन है, ठीक है, ए और बी। अब इस केस में क्या हुआ है कि ए ने बी को 50,000 रुपीज दिए हुए थे, तो बी का क्या ड्यूटी था कि विद इन 6 मंथ्स इसे रीपे कर दे, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ था। अब जब 50K ड्यू था तो 6 मंथ्स हो गए, इस पर्सन ने पे नहीं किए, तो 6 मंथ्स बाद ए क्या कर सकता है, इस पर्सन के अगेंस्ट, बी के अगेंस्ट कोर्ट केस फाइल कर सकता है। तो जब वो कोर्ट केस फाइल करने जाएगा उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। अब वो सोच रहा है कि मेरे पास 3 साल है तो मैं 3 साल में इसके अगेंस्ट कभी भी केस फाइल कर सकता हूँ। क्या हुआ, 1 साल हो गया, ठीक है, ए क्या सोच रहा है अभी भी 2 साल, ये 1 साल बाद ना बी ने क्या किया, 50K में से 10K इसको दे दिए, तो अब 10K दे दिया, अब यहां से फ्रेशली 3 ईयर स्टार्ट होगा। तो बीच में अगर कोई इंटरेस्ट का पेमेंट या कोई डेट का छोटा अमाउंट का भी पेमेंट आ जाता है, तो आपका फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर अक्यूजेशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन, ये सेक्शन 25, इन्होंने बताया वो एक्विजिशन ऑफ इजमेंट, इजमेंट राइट होता है राइट टू वे लाइट, तो इट प्रोवाइड द राइट टू एक्सेस यूज ऑफ लाइट एयर वे वाटर वाटर पोज यूज ऑफ वाटर एंड एनी इजमेंट विच हैज बीन पीसबिली एंजॉयड विदाउट इंटरप्शन फॉर 20 or 30 years, प्रॉपर्टी बिलोंग टू द गवर्नमेंट शैल बी एब्सोल्यूट इन इट शैल बी एब्सोल्यूट एंड इंडिफीजिबल, सच 20 ईयर शैल बी पीरियड एंडिंग विद इन द 2 years नेक्स्ट बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट। इसमें केस भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर कोई एक पर्सन है वो डेली बेसिस पे गार्डन जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, एक एज हो गई तब भी जा रहे हैं, 20 ईयर्स हो गए जाते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं, अब वहां पे वो बैठ के योगा वगैरह करते हैं,
अपने फ्रेश एयर लेते हैं, तो अब उनका ना वहाँ पे इजमेंट राइट बन गया है, 20 साल से वो वहाँ जा रहे हैं। अब अगर वो गार्डन तोड़ना चाहें या वो एरिया जहाँ पे वो स्पेसिफिकली बैठते हैं वो शिफ्ट करना चाहें या उनको कोई उठाना चाहें, तो वहाँ पे उनका हक है क्योंकि वो 20 साल से उस चीज़ को यूज कर रहे हैं। तो वो कोर्ट में इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि मैं 20 साल से जा रहा हूँ, ये राइट मुझसे आप मत छीनिए। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये 20 साल नहीं हुए, सपोज 18 साल ही हुए, विद इन 2 ईयर्स पहले भी अगर आप बात करते हो तो भी हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये कंप्लीटली ना प्रॉपर्टी जो बिलोंग करती गवर्नमेंट को, उसमें अगर आपके कोई इजमेंट राइट्स आप यूज कर रहे हो 20 साल तक, तो आपके पास उस चीज का कंप्लीट राइट है। अब कुछ बच्चे लिमिटेशन पीरियड में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 30 ईयर्स किन किन के लिए मिलते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो पीरियड ऑफ 30 ईयर्स मैक्सिमम पीरियड होता है लिमिटेशन एक्ट का, मैक्सिमम पीरियड कितना है 30 ईयर्स। तो आपके अगर कोई ऑब्जेक्टिव्स आते हैं तो 30 ईयर्स मैक्सिमम पीरियड याद रखना। ये 30 ईयर्स सिर्फ 3 चीजों के लिए होता है, जब सूट बाय मॉर्टगेजर फॉर रिडेम्पशन और रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्टगेज, सूट बाय मॉर्टगेजी फॉर फोरक्लोजर, सूट बाय ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो गवर्नमेंट को क्या करना है, तो उनके पास 30 साल है। ठीक है, मॉर्टगेजी यानी जिस बैंक, ठीक है, बैंक को फॉरक्लोजर सेल वगैरह करनी है, आपने लोन लिया था, लोन रीपे नहीं किया और मॉर्गेज पे प्रॉपर्टी वगैरह रखी हुई थी, तो वो प्रॉपर्टी का फॉरक्लोजर करना है, तो उसके लिए उनके पास कितना टाइम है, 30 साल तक का वो कोर्ट में केस फाइल करने आ सकते हैं। सूट बाय मॉर्गेजर्स फॉर रिडेम्पशन और रिकवरी। अब मॉर्गेजर कौन, जिसने प्रॉपर्टी गिरवी पे रखी थी बैंक के साथ, अब वो वापस उस पोजेशन को नहीं ले पा रहे, रिकवरी करनी है उनको, तो उनके पास भी 30 साल है कि वो कोर्ट में जा सकते हैं। 12 साल, 12 साल किन किन को मिलता है, प्रिस्क्राइब एज ए लिमिटेशन पीरियड फॉर वेरियस काइंड सूट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रस्ट और एंडोमेंट्स। पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 3 ईयर्स किन किन को मिलते हैं, अकाउंट्स, कॉन्ट्रैक्ट, डिक्लेरेटरी सूट्स, सूट्स रिलेटिंग टू डिक्रीज, इंस्ट्रूमेंट्स एंड सच सूट्स टू मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले 30 ईयर्स हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टी वाला 3 ईयर्स हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रस्ट और एंडोमेंट्स देन डोनेशन वगैरह वो सब 12 ईयर्स। अब 1 to 3 ईयर्स किन किन को मिलते हैं, जिसमें रिलेटिंग टू टॉर्ट्स या अदर मिसलेनियस मैटर, सूट्स फॉर विच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब इन द शेड्यूल। तो जिसका कोई नहीं उसका 3 ईयर्स। ठीक है, 90 to 10 डेज समरी प्रोसीजर्स, जो क्विक प्रोसीजर्स होते हैं उनके लिए आपके पास 90 से 10 दिन तक का टाइम है, मैक्सिमम मिनिमम 10 डेज है। ठीक है, मिनिमम 10 डेज, सबसे कम यही है 10 दिन, तो आप इस चीज के लिए 10 दिन में आ सकते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन पीरियड बताया, जैसे कि अगर पेबल और मनी लेंथ वाली बात होगी, जैसे एक पर्सन ने उसको 50K दिया था तो 3 साल, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है तो 3 साल, अपील वगैरह करनी है तो 30 डेज, जिसमें सेंटेंस ऑफ डेथ या फिर सेशन कोर्ट के अगेंस्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसके अगेंस्ट सूट फाइल करना है तो 3 साल, मूवेबल प्रॉपर्टी तो 3 साल, मॉर्गेजर वाला है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी 30 ईयर्स, अरियर्स ऑफ रेंट है तो 3 साल, प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप आपस में डिस्कशन है तो 3 साल, वेजेस थीम एंड 3 ईयर्स, वेजेस ड्यू टू अदर एम्प्लॉयज 3 ईयर्स, सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ फूड होटल लॉजिंग, मैक्सिमम लोगों के लिए बच्चे 3 साल ही है, सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर फॉल्स और इम्प्रिजनमेंट 3 ईयर्स। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर मॉर्गेजेस पेमेंट ऑफ मनी सिक्योर तो 12 साल, परमिशन टू पेपर और डिफेंडेंट समरी प्रोसीजर्स मिनिमम 10 डेज। ये होता है हमारा लिमिटेशन एक्ट, जो कि एक्ट कब आया, 1963 में, सेक्शन 3 बार ऑफ लिमिटेशन, सेक्शन 5 डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज, सेक्शन 6, 7, 8 लीगल डिसेबिलिटी के लिए है, 9 कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम। उसके बाद हमने पढ़ा 12 से 24 कुछ पीरियड है, जो ऑप्टेनिंग ऑफ अ कॉपी ऑफ डिक्री ऑर्डर अवार्ड, ये टाइम हम एक्सक्लूड करते हैं इससे। उसके बाद हमने 13 पॉपर वाला पढ़ा, 14 हमने पढ़ा बोनाफाइड ज्यूरिसडिक्शन वाला, उसके बाद हमने कुछ सेक्शंस पढ़े हैं जो कौन से हैं, सीधे हमने पढ़ा 18 इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, फिर हमने 19 पढ़ा कि बीच में अगर कोई डेट ड्यू पेमेंट है या इंटरेस्ट का पेमेंट है तो फ्रेश लिमिटेशन पीरियड आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिर ऐसे ही हमारी इजमेंट राइट है, 20 साल तक कंटिन्यूसली अगर हम कोई चीज को यूज कर रहे हैं, वे लाइटर वाटर, तो उसे हमें हमसे कोई छीन नहीं सकता। फिर हमने लिमिटेशन पीरियड देखा 30, 12, 1 to 3 ईयर्स, फिर 10 डेज से 90 डेज और अपील्स के केस। ओके